इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज VFD एनिमेटर डब्बा बैग की सेटिंग के मुतालिक हम वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोगों को पहली वीडियो की तरह अच्छी लगेगी। आज हम ये मोबाइल चार्जर के ज़रिए हम इसकी सेटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने ये मोबाइल चार्जर डेटा केबल लगा दी है। ये देख सकते हैं आप, हम अभी इसको बिजली का कनेक्शन देंगे, आपके सामने ये ऑन हो जाएगा। ये देख सकते हैं, अभी हमने ये देखो, ये सामने तुम्हारे डब्बा पड़ा है। हमने अभी ये डब्बा खोला है और इसके अंदर सेटिंग करना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी सेटिंग कैसे की जाती है और बहुत आसान सेटिंग है और सादा सेटिंग है। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारी वीडियो एक बार ज़रूर देखेंगे तो ये देख सकते हैं। ये इसका प्रोग्रामिंग का बटन है। हमने इस प्रोग्रामिंग के ज़रिए E2 में गए, इंटर किया और E200 इंटर किया, फिर इंटर किया, P10 आ गया। उसके बाद ये आपकी जो नज़र आ रही है, ये आपका इन्वेटर की पावर है 7.5, यानी कि 7.5 किलोवाट, यानी कि 7,500 किलोवाट का ये है। आप देख सकते हैं, आपने इसके जगह कोई मोटर के चक्कर, मोटर कोई चीज़ नहीं लिखनी कि ये मोटर 10 की है 20 की है। पावर अक्सर लोग लिखते हैं, आप लोगों ने इस जगह कुछ नहीं लिखना। अभी टाइम ओवर हुआ था, दोबारा ऑन करते हैं, देख सकते हैं। फिर इसको इंटर करेंगे तो P20 में जाएंगे तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी जो आपके मोटर ऑन होने के वक्त आपको ऊपर शो होती है, ये 47, 48, 50 पर जाती है। इसके भी आपने कुछ नहीं करना, फिर आगे चले जाना। ये आपके मोटर के चक्कर है, आपने मोटर के चक्कर को भी कुछ नहीं छेड़ना, क्योंकि मोटर के चक्कर 1440 होते हैं, 1460 होते हैं। इसे 1400 या इससे कम बात नहीं करना, आपने यही 1440 पर रखना है। इसको इंटर करना है, फिर आगे चले जाना। ये आपका करंट है, करंट यानी कि वोल्ट, 380 वोल्ट मोटर लेती है। इससे आपने कुछ नहीं करना, इसे छेड़ना नहीं है, आगे आ जाना। ये आपके एम्पेयर हैं मोटर के, आपके कितने की मोटर है, कितने एम्पेयर पर चलती है, आपने इस जगह आपने एम्पेयर सेट करने हैं। ये देख सकते हैं, इसके आगे की कोई सेटिंग नहीं छेड़नी, वापस चले जाना है। ये वापस आपने चले जाना PB में। ये PB आ गई, इसको इंटर करेंगे तो 00 आएगा, 0 को इंटर करेंगे तो यहाँ 1 आ गया। 1 को आपने 0 लाजमी करना है, क्योंकि 0 करेंगे तो आपका इन्वेटर ट्रिप नहीं होगा किसी वजह से भी। आगे 3 इससे नहीं छेड़ना, आप आगे 04 में सेटिंग होती है सोलर प्लेट की, आपकी कितनी सोलर प्लेट है उसके मुतल्लिक आप ये इससे, आपके पास 12 प्लेटें हैं 450 वाट की तो 80 बार रहने देना, इससे ज़्यादा है तो 85, 90, 100 तक आप ले जा सकते हैं। इंटर करेंगे फिर उसके बाद ये आपकी 50 पर फ्री करेंसी करिए, आप 50 या 10 या 20 जितनी रख सकते, इससे ऊपर नहीं ले जा सकते। ये आपकी सेटिंग होगी। इस जगह आके आपने 130 को आपने 150 करना है कि आपका बदल है या कोई मौसम खराबी होती है तो आपका इन्वेटर ट्रिप ना करे, पानी कटा जाएगा, ट्रिप नहीं करेगा। आप उम्मीद है कि आप लोगों को ये हमारी वीडियो अच्छी लगेगी और आपको पसंद आएगी। आपको ये सादा और आसान सेटिंग हमने बता दी है आपके सामने, आप देख सकते हैं इसे।